प्रदेश में जल्द ही बिजली महंगी होने वाली है और बिजली महंगी 18 से 23 प्रतिशत तक होगी। इसके लिए नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द ही विद्युत महंगी हो जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को इस साल तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बिजली कंपनियों ने 2023-24 के लिए सभी श्रेणियों की बिजली दरों में 15.85% की वृद्धि प्रस्तावित की है, जिससे सबसे ज्यादा 18 से 23 प्रतिशत की वृद्धि घरेलू श्रेणी में प्रस्तावित है। वहीं उद्योग के लिए 16% और वाणिज्य के लिए 12 तथा कृषि क्षेत्र के लिए 10% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा बीपीएल उपभोक्ताओं की दरों में 17% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यूपी में बिजली कंपनियों की ओर से सोमवार को नियामक आयोग में 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। अब प्रदेश नियामक आयोग इसका परीक्षण कर स्वीकार करने के बाद में निर्णय लेगा। इसके बाद में औपचारिक रूप से बिजली दरों में निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 3 वर्षों से बिजली दरों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, इसलिए इस बार बिजली कंपनियों ने घाटे की दुहाई देते हुए बिजली दरों में वृद्धि प्रस्तावित की है। इन सभी कंपनियों ने 2023-24 के लिए 92,547 करोड़ रुपए का ARR दाखिल किया है, जबकि इसमें वितरण लाइन हानियां 14.9% बताई गई हैं। दाखिल किए गए ARR के मुताबिक 2023-24 में कुल बिजली घाटा 22,740 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि सरकार से मिलने वाली 13,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी के बाद से यह घाटा 9,140 करोड़ रह जाने की बात कही गई है। हालांकि सभी कंपनियों ने 2023-24 में 1,34,751 मिलियन यूनिट बिजली खरीद की बात कही है। आपको बता दे चलें कि घरेलू उपभोक्ता ग्रामीण अब तक 100 यूनिट तक के लिए 3.35 रुपए प्रति यूनिट देते थे, लेकिन आने वाले समय में 4.35 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। यदि आपकी यूनिट 100 से ऊपर चली जाती है, यानी 150 तक जाती है, तो आपको अब 4.85 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में भी अब 3.5 रुपए प्रति यूनिट और 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। और यदि आप 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं तो आपको अब 8 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है कि बिजली अब महंगी होने वाली है। इसको लेकर के विनायक आयोग ने जो है एक आदेश पारित कर दिया है, यानी प्रस्ताव भेजा है और जल्दी इस पर स्वीकृति मिल जाएगी। इस संबंध में बिजली कंपनियों ने करीब 92,00,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है कि घाटे को लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको पूरा किया जा सके, लेकिन घाटा विद्युत विभाग का पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विद्युत विभाग द्वारा जहां पूर्व में रेट बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस पर कदम नहीं रखा और बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन अब एक बार फिर से आपको बिजली का झटका धीरे से नहीं बल्कि जोरों से लगने वाला है और आपकी यूनिट लगातार महंगी होती जाएंगी। कुल मिलाकर जिस यूनिट को अभी उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जो 3.50 रुपए की यूनिट थी, आगे चल के यदि 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं तो करीब वो 4.5 रुपए की यूनिट पड़ेगी। इसके साथ साथ कॉमर्शियल जो यूनिट हैं उनमें भी बदलाव किया गया है और वो भी अब आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। कुल मिलाकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को भेजा गया, विनायक इसको शायद स्वीकार कर लेगा। स्वीकार करने के साथ ही अगली बार जब आप गर्मियों के मौसम में पंखे की हवा का ठंडी हवा का आनंद लेंगे तो हवा तो भले ही ठंडी आएगी, लेकिन जो बिल के अंदर जो रुपए बढ़ के आएंगे वो शायद आपको गर्मी पैदा कर देंगे। बिजली पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगी है और उत्तर प्रदेश में विद्युत में जो महंगाई को लेकर के आमतौर पर किसान और आम नागरिक लगातार आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से विद्युत के यूनिट के रुपए बढ़ाए गए हैं उससे तय है कि आने वाले समय में आपकी जेब धीरे धीरे से कटती चली जाएगी, यानी महंगाई से आपकी जेब का कटना प्रारंभ हो जाएगा। कुल मिलाकर विद्युत को बचाना ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन होगा कि आप विद्युत को बचाएं या फिर अपने घर पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जिससे आने वाले समय में आपको विद्युत बिल ज़्यादा ना देना पड़े। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। चिकित्सक और मरीज के बीच में खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के संकल्प के साथ एक और हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहां चिकित्सक लोग कंधे से कंधे मिलाके नैतिक मूल्यों के साथ आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। यहां सारी सुविधाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए गए हैं, जहां रोग की रोकथाम और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ सभी क्षेत्र में अत्याधुनिक इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी,
लैप्रोस्कोपिक एवं वेट लॉस सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं किडनी प्रत्यारोपण, हड्डी रोग एवं स्पोर्ट्स इंजरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कैंसर विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग आदि शामिल है। यहाँ इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, थर्ड जनरेशन कैथ लैब जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्डियक एवं ब्रेन इंटरवेंशन किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जहां हम खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट, मिनिमल इन्वेसिव एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्ट्रोक सेंटर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सुइट, एंडोस्कोपिक सुइट, वाउंड केयर सेंटर, वेरिकोस वेन्स सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर इत्यादि।